999 पूर्णांक 993 अब बटे में 999 इंटू 999 बराबर भाग। देखेंगे विद्यार्थी जी इधर तीन दिन बोला भैया तीन दिन बोला तीनों नौ के इधर बोला लेंगे इधर के बोलो है तीन तीन नौ तीन तीन वो बोल का धर लेंगे। अब देखेंगे दोनों के डिफरेंस कितना है तो 999 में से 993 चल गया तो आप ही बोलिए विद्यार्थी जी छ। अब देखेंगे इधर घटा लेंगे जीरो में से छाव नहीं जाएगा जीरो में से छाव नहीं जाएगा बगल वाला ही चल जाएगा बगल वाला बेचारा को ममता लग गया एक रोपास ना है ई चल गया इधर ही दे दिया ई ले लिया खटा खटा एहू दे दिया ई हो गया दस ई हो गया दस दस में से छो चल गया हो गया चार। अब देखेंगे ई नाव हो गया ई भी नाव हो गया दिया था बहुत देर में वाला है तो यहाँ आठ हो गया यहाँ डबल ना हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या समझ में आया बोलिए यस सर समझ में आया कहीं दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी समझ गए होंगे पूरा विश्वास है। देखिएगा अगला सवाल देखिएगा अगला सवाल देखिए मजा आ जाएगा यार आज मुर्दा दिन पर जिंदा कर देना विद्यार्थी आज छोड़ना ना है आज छोड़ेंगे नहीं यार। देखिए विद्यार्थी तीसरा क्वेश्चन देखिएगा तीसरा क्वेश्चन देखिएगा नाव है यहां 995 999 यहां 999 बराबर भा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपने देखा कि जितना नाव यहां था उतने नाव यहां था। इससे पहले वाला में आपने क्या देखा कि जितना नाव यहां उतने नाव यहां लेकिन इस बार इधर तीन गो नाव इधर एक गो नाव है विद्यार्थी जी कुछ बुझते हैं ना। अब देखिए यहां तीन तीन गो नाव तीनों नाव के जब बोला लेंगे विद्यार्थी जी एगो नाव जा है एगो बोल का अपनी धरिएगा दोनों ना धरिएगा। अब देखिए ये दोनों के डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों का डिफरेंस कितना तो बोलिएगा सारी समन कोची पूछते हैं सर चारे है यहां से देखेंगे विद्यार्थी जी घटा के ये हो जाएगा छाव जब चार जाएगा तो अब यहां देखेंगे हो जाएगा आठ ही 99 विद्यार्थी जी क्या आपको समझ में आया पक्का समझ गए होंगे। फिर से देख लीजिए यहाँ तीन गो नाव तो तीनों लिख दिए यहाँ पर एक गो नाव तो एक गो बोल का सटा दिए एक गो सटाना है इस बार। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस चार है तो चारे को घटा लेंगे जब घटा लेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 9986 समझ गए ना यस। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी जी तैयार रहना है कॉपी कलम लेकर। देखिए अगला सवाल देखिएगा विद्यार्थी जी देखिए देखिए कैसन कैसन ललीपॉप क्वेश्चन आ रहा है। अभी इधर दे दिया चार चार गो नाव विद्यार्थी जी आया सात है जा नाव है अभी ये जाए के गो नाव है देख रहे हैं ना कैसे कैसे घुमा घुमा के आ रहा है जखनी इधर जादे था देख के आगे अभी इधर जादे आगे से जादे आ रहा भीड़ जाएंगे यहाँ देखिए एक के गो नाव है तो एक के गो विद्यार्थी जी एक के गो नाव है तो एक के गो यहाँ चार गो नाव है के गो नाव चार चार नाव है तो चार चार गो गोल का पकड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों के गो चार बार आराम से धरना है इधर उधर ना हो जाए ये दोनों के डिफरेंस कितना दो दो को घटा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे हो जाएगा आठ ई हो जाएगा नौ ई हो जाएगा नौ ई हो जाएगा नौ आई हो जाएगा कितना सर आठ।
आप समझ रहे हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, इससे पहले वाला में इधर एक नाव था उधर ज्यादा नाव था, अब इधर एक नाव है तो इधर ज्यादा नाव है, इस टाइप में किसी भी प्रकार का लगता है दिक्कत नहीं है विद्यार्थी जी। चलिए एक और हो जाए यही नाम पर, देखिएगा मिटा दे, देखिएगा विद्यार्थी जी मजा आ जाएगा इस सेशन में, इस सेशन में मजा आ जाएगा, क्योंकि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं मेरे दोस्तों, नौकरी पढ़ने से होगा मेरे दोस्त, इधर उधर दौड़ने से नहीं। चलिए देखिए तो फिर हिला देते हैं इस बार, झकाझक चलेगा तो, अरे मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, एक बार तो देखिए, मुर्दा दिल जिंदा हो जाता है सती सरपतभा वाला के पास, देखिएगा विद्यार्थी, देखिएगा इधर जो है विद्यार्थी जी दो दो गो नाव है, इधर दो दो गो नाव है तो दोनों नाव के यहां बोला लेंगे ना समझे, यहां दो गो नाव तो दोनों नाव जाएगा ना सुन रहे, दो नाव दो गो, यहां तीन तीन गो है भैया, तीन तीन गो है ध्यान में आ रहा ना, यहां तीनों जीरो लगाए। अब देखिए यहां से नीचे है 99 पूछते हैं ना, अभी 99 में से 70, 99 में से 70 चल गया, कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 29 हिंदी बोलता हूं 29। अब देखिएगा इसमें, देखिएगा कि ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 चल जाएगा तो एक बच जाएगा। अब यहां देखिएगा इसमें, देखिए 9 होगा, ये 9 में से जब 2 चल जाएगा तो यहां 7 हो जाएगा, यहां 9 हो जाएगा, यहां 8 हो जाएगा, यहां 9 हो जाएगा। लगते हैं कि आप ना बूझे, हम बूझ गए कि आप ना बूझे, फिर से देख लीजिए, यहां 2 गो नाव तो 2 गो लिखेंगे, यहां 3 गो नाव है तो 3 जीरो लिखेंगे, ये दोनों के अंदर है 29, 29 घटा लेंगे, क्या घटाने के लिए जानते हैं, बोलिए यस सर, बोलो ना यस सर, यस सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी, मजा आओ। चलिए देख लीजिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मजा आ रहा हो, देखिए 99 पूर्णांक 993 बटा में 999 इंटू 999 बराबर भाट, भाट विद्यार्थी जी प्रश्नवाचक चिन्ह इसको बोलते हैं हिंदी में। अब यहां देखेंगे 3 गो नाव, तीनों नाव को एकदम आराम से लहे लहे बुलाएंगे। अब यहां देखिए दो गो विद्यार्थी जी, दो गो में तो आराम है, दो गो बोल का दो गो में दिक्कत ना है, है ना विद्यार्थी जी। अब देखिएगा ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का अंतर कितना, तो आप जानते होंगे कि सर ये अंतर 6 है, सर अंतर 6 है, आराम से घटा लेंगे, 10 में से 6 हो गया 4, ये 9 ना हो गया होगा तो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। अब हमें पूरा विश्वास है कि टाइप 1 आप सीखे हैं, पक्का विश्वास है, बोलिए एक बार यस सर, पक्का विश्वास है ना। चलिए टाइप 2 में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 2 थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइप 2 के जितने भी क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी जी सब एसएससी का, सब एसएससी का क्वेश्चन है। देखिए आज धुआं हो जाएगा, देखिए देखिए टाइप 2 हम देखने आ जा रहे हैं,
देखिए पहला क्वेश्चन है, एक बटा आठ प्लस 999 पूर्णांक 71 बटा 72 9 बराबर भट। देखिए जैसा ऊ बना था वैसे ही ई बनेगा, टेंशन की बात है। तो एक बटा आठ है तो एक बटा आठ होगा, बीच में यहां प्लस है तो प्लस होगा, बोलो ना चलो। अब यहां से देखेंगे कि यहां एक गो नाव तो एक गो लिख देंगे, तीन गो नाव तीन गो जीरो दे देंगे, ना समझ गए। अभी सीखे थे कि सर बीच में माइनस, लेकिन बात तेरा सा गड़बड़ हो गया कि सर अब देखेंगे कि 72 में से 71 चल गया, तो आप जानते होंगे कि एक बच जाएगा। 72 में से 71 चल गया, एक हो गया, इन नौ का केवल पढ़ेंगे कि 72 आ जाए, इन नौ का केवल पढ़ेंगे कि 72 आठे बार 72, क्या ये जा आठ लिख दे, लग रहा है ये माइनस है ये प्लस है, तो ये कट गया ये कट गया, तो आपको बच गया 9 पर 3 जीरो, 9 पर 3 जीरो, यही आपका आंसर हो। क्या समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन की दुनिया में हम लोग चलने वाले हैं, आप सीख गए हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा थोड़ा मजा आ जाएगा, आज मजा आ जाएगा। देखिएगा विद्यार्थी, आज मजा नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक बटा सात प्लस 999 पूर्णांक 692 बटा 693 इंटू 99 बराबर भट, बराबर भट। फिर से वही वाला रसमलैया, एक बटा सात प्लस यहां दू गो नौ तो दू गो, तीन गो नौ तो तीन जीरो। देखेंगे आराम से यहां घटाओ का चिन्ह, यहां देखेंगे विद्यार्थी जी 693 में से 692 चल गया तो एक बच गया ना विद्यार्थी जी। आई वाला देखेंगे केवल में कटेगा तो सात बार में, यहां सात लिखा गया ई वाला से ई वाला चल गया, ई वाला का होता है तो 1/7 में सब्ट्रैक्शन में है घटाओ में है, और 1/7 पॉजिटिव है, ये दोनों कट गया तो 99 पर विद्यार्थी जी तीन है गूगल का। ना समझे, ना समझे आप, जैसा पहले बना वैसा ये बना, कोई समस्या नहीं। ये क्वेश्चन फिर देख लेते, समस्या है और देख लीजिए, ये का दिक्कत की बात है। चलिए और देख लीजिए, आपको लग रहा हो कि हम नहीं सीखे सर, फिर से देख लीजिए, अपने अपने होते हैं। चलिए देख लीजिए फिर से, मजा आ रहा हो। देखिएगा 3/7 999 पूर्णांक 690 बटा 693 इंटू 99 बराबर भाट, बराबर भाट। मजा आ रहा होगा, 3/7 प्लस भैया ना देख रहे हैं आप, दू गो नौ है तो दू गो नौ को एजा बोला लेंगे, तीन गो नौ है तीन गो एजा सटा देंगे भैया, ना समझ। बीच में हो जाएगा माइनस, आई दोनों के अंतरवा हम आराम से देखेंगे, ना समझ रहे अंतर मैंने बड़का।
छोटका घटेगा तो 693 में से 690 चल गया तो सर 3 बचा। ई वाला से ई वाला कट जाएगा विद्यार्थी जी 7 बार में, फिर वही कंडीशन ये दोनों कट गया तो आपका आंसर आ गया विद्यार्थी जी। क्या आपने समझा यहां तक? किसी प्रकार का कोई दिक्कत है विद्यार्थी जी? तो आज का सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं विद्यार्थी जी, फिर मिलेंगे हम कल क्लास 3 के साथ मिलेंगे सतीश सर फतवा वाला की। एक बार जोर से दम दबा करके इधर से उधर आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं, आप चीनी हैं और हम पानी हैं। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त, जब तक शरबत का निर्माण नहीं होगा। तो आज के लिए सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।